मोल्टोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा और हमारे साथ है रॉयल कैस्टर प्रोडक्ट्स लिमिटेड मुंबई के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हरेश व्यास। हरेश व्यास से कैस्टर सीड की नई सीजन में हो रही बुआई, प्राइस आउटलुक, मांग एवं सप्लाई से लेकर कैस्टर ऑयल के भविष्य पर चर्चा की। हरेश व्यास जी, मोल्टोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हरेश जी, इस साल कैस्टर ऑयल के निर्यात की अगर बात की जाए तो निर्यात कैसा रह सकता है और डिमांड सिनेरियो ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको? ग्लोबल सिनेरियो जो है, इसमें जो बड़े लोग हैं, मतलब मेजर कंज्यूमर से, इनका पिछले साल से एक सर्वे होने के बाद में ये लोग ये नतीजे पे आए थे कि भाई इस साल करीबन 7 से 10% तक इनकी डिमांड, खुद की कंजम्पशन कम रहेगी और उसके चलते हुए वो इम्पैक्ट दिख रहा है जो कुछ अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है और आगे चलते हुए भी उस पर दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो सिनारियो है, तकरीबन जितने लोग हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कवर्ड, मतलब वो हैंड टू माउथ चल रहे हैं। तो अभी जितने नए काम हो रहे हैं ना, वो तत्कालीन शिपमेंट्स के हो रहे हैं और उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले 6 महीने में ड्रॉप देखने को मिला है, उतना बड़ा ड्रॉप पिछले 6 महीने में आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन जब कैस्टर की अगर बात आती है पूरी दुनिया में, तो भारत एक मोनोपोली रखता है उसके उत्पादन और कैस्टर ऑयल के प्रोडक्शन दोनों में, लेकिन हम प्राइस शायद वर्ल्ड में अच्छे प्राइस क्यों नहीं ले पाते हैं? ये एक शिकायत आती है इंडस्ट्री की। देखो ऐसा है कि कोई भी चीज का प्राइस जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं हो सकता है, एक कंपैरेटिव हो सकता है, क्योंकि एक लेवल के बाद में कुछ और चीजें आ जाती है जो इसको कॉम्पीट करती है और अगर वो जो गैप है वो अगर टूटता है तो उसके बाद में अपने आप डिमांड में कमी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे प्राइस और रियलाइजेशन में कमी आ जाएगी। तो हमेशा इसको एक रेंज बाउंड होना चाहिए। मतलब अब हम सोचे हमारी मोनोपोली है, हमको तो आज समझो $1600 है, हम सोचे नहीं हमको $2100 मिलेंगे, तो जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स है वो उसकी स्पेस लेती है। अच्छा, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ये होता है कि एक टाइम एक कॉम्पिटिटिव जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है तो उसको जल्दी रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये हो जाता है कि लंबे अरसे तक वो डिमांड में कटौती आ जाती है और फिर तुम्हारे जब प्राइस लेवल पे आते हैं तब जाके आप इसको वापस घुसा सकते हो, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो यही कारण है कि आप सोचो उतने भाव मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। नहीं, जो तेल संगठन सी की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसने कहा कि 11.3 लाख टन कैस्टर का भारत में उत्पादन होगा, सरकार ने भी अपना अनुमान काफी नीचे ही दिया है। तो इस साल जब उत्पादन कम हुआ तो क्या सप्लाई लाइन पे असर दिखाई दिया या क्या रहा सप्लाई लाइन की स्थिति? सब इसमें मार्केट फोर्सेस बहुत काम करते हैं। ये साल की शुरुआत में ऐसा सबका मानना था, मतलब जो स्टेक होल्डर्स है और नॉन स्टेक होल्डर्स है, ये सबका मानना था कि भाई ये टाइम सप्लाई की दिक्कत रहेगी। उसके चलते मैं समझता हूँ जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स है, इन्होंने शुरू में, मतलब जब माल आना शुरू हुआ, मतलब अप्रैल की बात करें, तब से वो उन्होंने बहुत तेजी से बाजार को उठा लिया और नतीजा ये हुआ कि उनको 3% तलक के बदले देने पड़े। अब जब 3% के बदले दो, उसको 6 महीना 7 महीना सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उसी की वजह से जब उनकी सस्टेनेबिलिटी कट हो गई और वो दिखने लगा कि अब ये लोग थक गए हैं, तो मार्केट टुक इट्स ओन टर्न कि भाई जब 3% का बदला पॉसिबल नहीं है तो वो सस्टेन नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे भी करके मार्केट फोर्सेस ब्रॉट इट डाउन। और आज जो हम देख रहे हैं, मेरी पर्सनल ये राय है कि ये भाव करेक्ट नहीं है, जो हालात है ग्राउंड, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो हालात है वो भाव करेक्ट नहीं है, लेकिन जो चूक हमारी अप्रैल मई में हुई है उसका भुगतान हम ही करेंगे और वो आज हम लोग जुलाई अगस्त में देख रहे हैं कि उसका भुगतान होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगेन करेक्टिव मोड में नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली करेक्टिव मोड में जाने की इसकी पूरी संभावना है। लेकिन एक किसान के एंगल से अगर हम बात करें तो जब किसान को अगर 20 किलो के पीछे 1100 1200 के आसपास का भाव जो मिल रहा है और मिला भी है तो वो उसके लिए हितकारी है या नहीं है, क्योंकि उसने मेरे ख्याल से पिछले समय में काफी एक अच्छे भाव देखे हैं? आप अगर बात करो तो
सात आठ साल पहले 1200 के भाव देखे थे उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने 800-900 का ही रेंज देखा था। क्योंकि मैं किसानों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसानों से काम करता हूँ, मेरे लिए 1100 इनके लिए बहुत ही अच्छा दाम है, इसमें इनकी वायबिलिटी अच्छी बैठती है। और ये अगर भाव रह जाते हैं तो किसान बेशक इस पे ज़्यादा मेहनत करेगा और ये ज़्यादा उगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द फार्मर्स। आप सर, सीड के माध्यम से कैस्टर की खेती को आपने कई अभिनव प्रयोग किए गुजरात के अंदर, और अब उनका किस तरह से विस्तार करने का इरादा है, और उसके जो आपने जो अभी तक प्रयोग किए हैं वहाँ मॉडल फार्मिंग के जरिए, उसके नतीजे क्या रहे? ये हमारा चौथा साल रहेगा कि हम ये प्रयोग कर रहे हैं। हमारा मॉडल जो है वो है बेसिकली मॉडल फार्म बनाने का। हमारे जो भी साधन है उसमें जो हम कर पाते हैं वो हम कर पा रहे हैं, और उसमें हमारा ये है कि हम छोटे छोटे इलाके पकड़ते हैं और उसमें एक क्लस्टर बना के डेवलपमेंट वर्क करवाते हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी हमने दातीवाड़ा यूनिवर्सिटी या हमारे खुद के जो टेक्नोलॉजिस्ट है इनके साथ में बना के जो थियोरी बनाई है वो करते हैं, और इसके बाद में इसको फैलावा करने के लिए हम ये करते हैं कि जो जो हमारे क्लस्टर है उसमें आजू बाजू के गांव के या जिलों के या तालुकों के फार्मर्स को वहां लाते हैं और वहां उनको डेमोन्स्ट्रेशन लाइव दिखाते हैं और लाइव हम लोग उनको एजुकेट करते हैं, ताकि वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका फैलावा होए। आपने जो बात पूछी कि भाई क्या नतीजे मिले, कैसे मिले, तो मैं ये कह सकता हूँ हमारे जो मॉडल फार्म है उसका जब हम कंपेयर नॉर्मल या नेशनल एवरेज की करते हैं, नेशनल एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है करीबन 1600 किलो पर हेक्टर की प्रोडक्टिविटी है, लेकिन हमने जो प्रयोग किए हैं इसमें हमको करीबन 2 गुना से 2.5 गुना ज़्यादा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल हम लोग ने 4500 किलो की पैदावार ली थी 1600 के सामने, लास्ट ईयर मानसून कम था तो इसकी वजह से ये हुआ कि पानी कम मिलने से हमारी पैदावार घटी थी, फिर भी हम लोग ने 3600 किलो पर हेक्टर की पैदावार ली थी। तो जैसे आपने गुजरात में ये प्रयोग किया, लेकिन जो अन्य कैस्टर उत्पादक स्टेट हैं, राजस्थान है या आंध्र प्रदेश है या जहां भी कैस्टर होता है, क्या आप वहां पर भी इस योजना को लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बेशक, लास्ट ईयर हमने राजस्थान कवर किया था और राजस्थान में हमको बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं, और ये साल भी हमारे प्रोजेक्ट में राजस्थान एक बड़ा हिस्सा है। और क्योंकि आप बोलते दूसरे इलाके, तो जैसे साउथ के अंदर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहाँ पे भी ये टाइम हमारा प्रोजेक्ट चालू है। वहाँ की जो संस्था है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उनके साथ में हमने सहयोग किया है और एक यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग किया है, और ये साल उधर भी हमारे कैस्टर मॉडल फार्म का काम जारी है। इस साल अभी तक अगर मानसून की स्थिति को हम देखें तो कोई बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं आई है, तो ऐसे में कैस्टर की सोइंग कैसी होगी आपकी राय में? अब जिस तरह के भाव आज किसान के सामने है, तो अगर उसको बिटवीन टुडे एंड एंड ऑफ अगस्त तक भी बारिश अगर बुआई लाइक हो गई, तो ये निश्चित है कि बहुत बड़े पैमाने पे कैस्टर की खेती होगी। लेकिन उसके बाद में कैस्टर क्योंकि 9 महीने का क्रॉप है, तो इसको 12 टाइम पानी देना पड़ता है। अगर वो पानी का संग्रह अगर किसान के पास नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हेक्टर्स कवर हो जाएंगे, लेकिन पैदावार क्या मिलेगी, क्योंकि चूंकि 12 पानी देने हैं और वो रिजर्व बना है नहीं बना है, इस पे इसका दारोमदार रहेगा कि कितना मिलेगा। ये निश्चित है कि ये टाइम इसकी जो बुआई है वो एकरेज बढ़ने वाली है। लेकिन कुछ लोग इस तरह की अभी इन दिनों मार्केट में बातें कर रहे हैं कि किसान जो है वो कैस्टर की खेती से मुंह मोड़ रहा है, और आपने कहा कि बेशक अगर अगस्त लास्ट तक बारिश होती है तो निश्चित रूप से कैस्टर की बुआई बढ़ेगी। क्या वाकई आपको लगता है कि किसान कैस्टर की खेती से मुंह मोड़ेगा जबकि प्राइस भी अट्रैक्टिव है इस समय? हाँ, तो आपने जवाब दे दिया कि इसमें हुआ क्या है कि पिछले 4 साल का हम लोग इतिहास देखते हैं तो 700, 800, 900 यहाँ तक उनको दाम मिले थे, तो वो वायबल नहीं थे उनके लिए, सेविंग और अट्रैक्टिव प्राइस दे थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन हमने भी हमारे तरफ से सी के माध्यम से काफी प्रयास किए, एडुकेट किया कि भाई तुम ऐसे सोचते हो ऐसा नहीं है, और
पिछले साल से आप देखो तो उसको आपको बुआई अच्छी हुई थी, एकरेज अच्छा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली रेन नहीं था करके फसल घट गई, नहीं तो 15 के सामने 11.25 की हो गई। लेकिन अगर बारिश अच्छा रहेगा तो मैं नहीं समझता हूँ किसान मुंह मोड़ लेगा, क्योंकि किसान के पास क्या, कोई भी एक किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो ऐसा नहीं है कि वो खाली ये कैस्टर की खेती करेगा या कॉटन की करेगा, ये हमेशा मिक्स बैग रहता है, थोड़ा हिस्सा वो कैस्टर के लिए एलोकेट करके रखता है और कैस्टर छोड़ेगा नहीं किसान। सर इस साल अगर हम बात करें, चाहे वो वायदा बाजार हो चाहे हाजिर बाजार हो, कैस्टर के दामों में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है। एक ऊंचाई को छूने के बाद वो नीचे भी आया, नीचे से ऊपर भी उठा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे इन भावों को लेके, किस तरह की स्थिति बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? जैसे मैंने पहले बताया कि ये अकेला खाली कैस्टर या स्टेक होल्डर्स पे मार्केट डिपेंड नहीं होता है, ये इसके आउटसाइड एलिमेंट्स जो होते हैं इन पे भी काफी भावों का लेन देन होता है। और चूंकि फसल कम थी, कैरी फॉरवर्ड पिछले 8 साल के मुकाबले में ये साल सबसे कम रहा, तो आउटसाइड एलिमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो जल्दबाजी कर गए, उन्होंने गलतियां कर दी और उस करके हमको बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिले। अभी ये परिस्थिति बनने जा रही है कि जितने मार्जिनल प्लेयर्स थे या जिनको अब डर लगने लगा ये भावों का, तो वो निकलना शुरू हुआ है। वो प्रोसेस शायद हो सकता है 15 दिन महीने के अंदर खत्म हो जाएगा और देन हम लोग ग्राउंड बेस पे आ जाएंगे कि वाकई में माल है या नहीं है, उसका टेस्ट होगा और वो टेस्ट ही डिटरमिन करेगा कि अपने दिसंबर जनवरी फरवरी तक क्या प्राइस होने चाहिए। मुझे पूछिए तो मैं समझता हूँ हम लोग हैंड टू माउथ सिचुएशन में जाने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट अपने को अगस्त महीने के बाद में देखने को मिलेगा। हरेश जी आपसे अंतिम सवाल कि कैस्टर ऑयल के अंदर भारत के लिए वैश्विक परिदृश्य में क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती है आने वाले सालों में? आने वाले सालों में जहां तक मैं जानता हूं तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बहुत सारे देश कैस्टर में रुचि लेने का शुरू किया है, लेकिन उनके लिए अभी एकदम नेसेंट स्टेज है, मतलब शुरुआत हो रही है, इनका इतना अनुभव नहीं है। बट मैं इतना डेफिनेटली समझता हूँ कि भारत के किसान के लिए अगले 5 साल के बाद में एक अच्छी सी चैलेंज खड़ी होगी और उसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग अभी विश्व में कहीं हुआ नहीं है कि जहाँ 1600 के सामने हमने कुछ 4000 किलो की पैदावार मिले, और ये हमारा ब्रह्मास्त्र बनेगा क्योंकि उनको वो नहीं मिलने वाला है जो हमको मिलेगा। अगले 5 साल में डेफिनेटली वी विल फेस कॉम्पिटिशन और किसान को सजाग तो रहना पड़ेगा। तो सर जो आपने किसानों के लिए चैलेंज की बात करी, तो क्या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या जो ऐसी संस्थाएं जो रिसर्च वर्क करती है, क्या उन्हें अभी से हमें नई बीजों की वैरायटीज या उनकी चीजों पे डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, या आप सी के माध्यम से कोई ऐसा काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग पिछले 2 साल से एक हाइब्रिड 8 भी बन रहा है, नई वैरायटी इंट्रोड्यूस होने जा रही है, लेकिन उसका पायलट स्केल पे काम करते हुए हम लोग दातेवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग उनके साथ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कई मॉडल फार्मों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस में हम काम कर रहे हैं और हमारा अनुभव ये है कि ये रोबस्ट वैरायटी बन रही है और मैं समझता हूँ पिछले बहुत सालों से कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर ये 8 नंबर का जो बीट सीड अब भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस में काम करेगा, ये अच्छा काम कर जाएगा, बहुत रोबस्ट सीड है। धन्यवाद हरीश जी।